नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और वक्त तो चला है दिन की बड़ी सुर्खियों का। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। राजस्थान के फलौदी से अमित शाह ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी को भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, वो राजस्थान और देश का भला कैसे कर सकती है। अमित शाह ने अंत में कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार अंगद का पैर है, जिसे कोई उखाड़ नहीं सकता। राजस्थान में कारोबारियों के सामने गरजे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सैन्य फैसले को भी राजनीतिक संपत्ति बना दिया है। साथ ही उन्होंने नोटबंदी को ऐसा घोटाला बताया है जिसका उद्देश्य छोटे कारोबारी और दुकानदारों की रीढ़ तोड़ना था। राहुल गांधी ने किया पीएम मोदी पर वार, कहा मोदी मास्टर मैनिपुलेटर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपीए काल की जीडीपी दरों को रिवाइज करने पर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी आंकड़ों में जोड़ तोड़ के मास्टर हैं। राहुल ने एक कार्टून शेयर कर एनडीए सरकार पर भी हमला बोला है। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में हुड्डा और मोतीलाल वोरा के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दायर। सीबीआई ने नेशनल हेराल्ड के स्वामित्व वाली कंपनी एजेएल कंपनी को प्लॉट आवंटन के मामले में शनिवार को अदालत में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। अहमद पटेल ने आपातकाल को लेकर मोदी सरकार को घेरा। राजस्थान के जयपुर में एक वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि आपातकाल एक धब्बा था, उसके लिए हम माफी भी मांगते हैं, लेकिन 2014 से जो देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है उसका क्या। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में टली सुनवाई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में शनिवार को सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सुनवाई टल गई है। शशि थरूर की वकील की अदालत में मौजूद नहीं होने के चलते सुनवाई टालनी पड़ी है। अब 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 3 नवंबर को ही पिछली सुनवाई में विशेष अदालत ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में जुड़े दस्तावेजों की प्रति आरोपी पक्ष को देने का आदेश दिया था। भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी का भारत लौटने से इनकार, कहा मेरे पुतले जलाए गए, जान का खतरा। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत आने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय के साथ मेल द्वारा हुई बातचीत में नीरव ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा कि मैं सरेंडर नहीं कर सकता। नीरव ने ईडी से कहा कि मिल रही धमकी और सुरक्षा कारणों के चलते मैं भारत नहीं लौट सकता हूं। नहीं रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश। जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। बुश रक्त में संक्रमण के रोग से ग्रसित थे। हाल ही में उन्हें तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो लंबे समय से बीमारी के कारण व्हीलचेयर पर थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध ठाकुर के साथ मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी।